नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए बेहद ही खास वीडियो है जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सारे ही क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कॉपी और पेन लेकर आप पहले ही बैठ जाना, तब जाके आप वीडियो को शुरू करना। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो बेहद खास क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? तो ऑप्शन दिए हैं, वर्धन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर सातवाहन वंश। तो सबसे पुराना राजवंश है, इसका सही आंसर है, मौर्य वंश, जो कि मौर्य वंश ये सबसे पुराना राजवंश है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और गुप्त वंश की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश और सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए हैं, लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जिन नौजवानों का है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज उन्होंने किस वर्ष की? तो ऑप्शन दिए हैं, 1925, 1928, 1921 या फिर 1922। तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी 1922 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1922 में की थी राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज। और हड़प्पा की खोज किसने की? इसका श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को, उन्होंने 1921 में की थी। 1921 में हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो जो था ये राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो से वृत स्नानागार मिला है, अब ये भी आप याद रखिए। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु। और इसी के अलावा सिंधु सभ्यता का एक खास स्थल है, जो बंदरगाह था, वो था आपके लोथल, जो कि आपके गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन दिए हैं, जयपुर, रोहतक, सोनपुर या फिर केलर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है, जयपुर, रोहतक, सोनपुर या फिर केलर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है सोनपुर। सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो सोनपुर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो को नहीं देखा है तो सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी भी आप करते रहिए। तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस शासक का अंतिम युद्ध था?
तो ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो कलिंग युद्ध किस शासक का अंतिम युद्ध था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी अशोक महान का यह अंतिम युद्ध था। जब अशोक महान अपनी गद्दी पर बैठा तो उसके ही 8वें वर्ष ये कलिंग युद्ध, उसने कलिंग युद्ध किया और वहाँ पर विजय पाई थी। और कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। और दोस्तों ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली कलिंग की राजधानी है। और दोस्तों समुद्रगुप्त से भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसी के अलावा आपसे पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और दोस्तों याद रखिए श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को? तो ऑप्शन है पर्यावरण दिवस, विज्ञान दिवस या फिर शिक्षा दिवस या फिर शिक्षक दिवस। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। पर्यावरण दिवस 5 जून को और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो ऑप्शन है शुक्र ग्रह या बृहस्पति, बुध या फिर वरुण। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और सौर मंडल का सबसे छोटा की बात की जाए तो छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा ग्रह है बुध। बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र को पृथ्वी की बहन माना जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। और इसके अलावा पृथ्वी के आकार का जो ग्रह है लगभग पृथ्वी का आकार का वो भी शुक्र ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद होना ही चाहिए। तो नौसेना की कितनी कमांड है? तो क्वेश्चन है नौसेना की कितनी कमांड है। और इसी के अलावा आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि थल सेना की कितनी कमांड है? तो थल सेना की कमांड है 7 और नौसेना की हमसे पूछा है तो ऑप्शन दिए हैं 3, 7, 5 या फिर 8। तो आपको इसका आंसर तो ज़रूर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 3। तो कौन कौन सी कमांड है इस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण नेवल कमांड है दक्षिणी कोच्ची में है इसका हेडक्वार्टर या कह सकते हैं मुख्यालय। तो दक्षिणी नेवल कमांड है, इसका मुख्यालय है कोची। और इसके अलावा ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका मुख्यालय है, ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम। और इसके अलावा वेस्टर्न नेवल कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। और दक्षिणी कमांड जो कोच्ची में है और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। और दोस्तों नौसेना का जो काम होता है वो क्या होता है, नौसेना क्या काम होता है इनका? तो भारत की जो समुद्री सीमा है, तो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना होता है, भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है रॉबिन धवन, मनोज मुकुंद नरवणे या सुनील लांबा या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद या फिर तैतरीय उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोश जुनून के साथ आपको इन क्वेश्चनों को करना है और कितने सही होते हैं आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को जो है दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे? तो अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग अपना दिमाग चलाइए और इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो जल को जो है भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे? तो ऑप्शन है वृक्ष, आसमान, दीवार या फिर जल। तो लगभग आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर है दीवार। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता ज़्यादा। तो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा इन ऑप्शनों में से। तो एम पी एन क्यू ओ आर पी एस, इसके बाद कौन से शब्द आएंगे? तो आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एम एन है, फिर ओ, फिर ऐसे पी और इसके बाद आएगा क्यू। तो एक पहला तो हमने ढूंढ दिया क्यू आएगा, अब देखते हैं अगला पी क्यू, फिर आर, फिर एस और फिर अगला आएगा टी। तो क्यू क्यू टी कहाँ पर है? तो क्यू टू क्यू क्यू टी आपको दिख रहे हैं ऑप्शन डी में, क्यू टी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सांस थी। तो ए की माँ बी की माँ से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सांस थी। तो ए की माँ बी की माँ से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन दी है पुत्र, वधू, बहन, सास या फिर चाची। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको अपने आप ही सॉल्व करना होता है। तो इसका सही आंसर लगभग सभी ने दे दिया है, इसका सही आंसर है पुत्र, वधू। तो बी की माँ ए की माँ की सास थी। तो ए की माँ बी की माँ से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र वधू आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। जोश जुनून आपके अंदर, पॉजिटिव आपकी सोच होनी चाहिए, अपने आप को आपको पॉजिटिव बनाना है और मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, जो भी हो आपको अच्छा सोचना है तो आपको इंडियन आर्मी की वर्दी ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।